हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 और पीछे प्रभाव पर्थ है और मौसम बहुत प्यारा है भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सुबह से बारिश हो रही, तो मैंने सोचा बारिश रुक जाए फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि कहीं जाने के थे नहीं, बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है, तो मैं वेट करते करते टाइम हो गया 11:30। अब जाके रुकी, थोड़ा मौसम साफ हुआ है, तो हम आज जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ झाले पे। उसने बुलाया था पोर्टफोलियो के लिए कि फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, और कंबाइन का ब्लॉग बनाने को थे आज मशीन का, बट बारिश हो गई, इस चक्कर में सब मतलब खेत वगैरह भीगे हैं तो ब्लॉग बना नहीं पाए। कंबाइन भी खड़ी, जैसा कि आप पीछे देख रहे धान ये एकदम लेटे हुए हैं ये ज़मीन से, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई। तो ग्राउंड पे आज गए नहीं थे, इसी सड़क पे हमने रेस मारी, क्योंकि ग्राउंड में भरा हुआ पानी, जिस दिन ग्राउंड में मतलब पानी भरा हुआ होता है, बारिश वगैरह हो जाती है, तो हम इसी सड़क पे रेस मारते हैं। और ये पूरी 1.6 है स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट तक, इधर मतलब क्रॉसिंग है वहाँ तक, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इधर ज़्यादा व्हीकल वगैरह चलते नहीं है, गाँव वाले लोग आते नहीं, मतलब कम आते हैं इधर, वही बाइक साइकिल बस कार वगैरह बहुत कम, तो सेफ़ है हम लोगों के लिए। तो आज बहुत मतलब मज़ा आ रहा है भाई शूट करते हुए, और आज भी मैं ये वीडियो कैनन से ही शूट कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो क्वालिटी वगैरह अच्छी आ रही। माइक है नहीं, तो माइक जो कैनन का वही यूज कर रहे हैं हम लोग, और नज़ारे देखो आप चारों तरफ के। कितनी शांति है भाई चारों तरफ, एकदम मस्त, टहलते हुए भी अच्छा लग रहा है भाई, ठंडा मौसम है। तो आज बस ये नॉर्मली ब्लॉग था कि फोटोशूट वगैरह कर रहे थे झाले पे दोस्त के यहाँ, और पीछे दोनों बड़ी जा रहे हैं भाई। तो अब पहुँच गए भाई खेत पे, पीछे ये धान कट गए हैं, ये इनका तो नुकसान नहीं हुआ, और अब हम जा रहे हैं प्रभाव के खेत पे। मतलब हम यही देखने आए थे, फिर वो गाड़ी लॉक कर दी, आगे ले आना भाई, रास्ता देखो एकदम थार वाला है भाई, मतलब ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, थार वाला ये, बाइक भी नहीं जा सकती, पानी भरा हुआ है, फिसलन होगी बहुत भाई, बाइक थोड़ी आगे कर दे यार, थोड़ी लिया भाई समझा कर, आगे कर दे, ठीक है यार लॉक है। तो भाई गाड़ी लॉक कर दी हमने, और गाड़ी खड़ी उधर बाइक अपनी, क्योंकि आगे ले जा नहीं सकते, बहुत रास्ता है खराब, जिधर प्रभाव का खेत है आप देख रहे हो गड्ढे हैं, पानी वगैरह भरा हुआ है। तो हम बस यही देखने जा रहे हैं कि धान वगैरह कैसे हैं भाई इनके, ये बोला चलो आज खेत पे चलेंगे देखने, और गन्ना खाएंगे आज, गन्ना खाने का बहुत मन है भाई, जूस वगैरह पीते हैं बट उससे फायदा क्या है, तोड़ के खाएंगे आराम से देसी। तो भाई मजा आ रहा है आज, मतलब मैं ब्लॉग बाहर के भी करता हूँ, बरेली शाहजहांपुर अभी तो यहीं जा रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा ब्लॉग मुझे करने मज़ा आता है ऐसे इस जगह के, एकदम कीचड़ चारों तरफ, मज़ा आ रहा है एकदम भाई चलते हुए भी, और पानी भरा हुआ इधर धान कट गए हैं, और इस तरफ है गन्ना ये, तो अभी गन्ना खाएंगे भी अच्छा सा देख के, तो चलते हैं भाई। और अभी एक दोस्त था जिसका DSLR कैमरा था, उससे शूट कर रहे थे हम, उसको घर छोड़ना था इसीलिए, क्योंकि उसका घर से फ़ोन आ गया था, बोला भाई घर छोड़ दे मुझे, तो मैंने कहा ठीक है भाई घर छोड़ गया उसे, क्योंकि बारिश फिर होने लगी थी, इसलिए कैमरा यूज करना ठीक नहीं था उसका भाई, महंगा कैमरा था, तो मैंने सोचा चलो फोन से ही हम शूट करेंगे। और जब हम लॉकडाउन था यहाँ पे अच्छा वाला एकदम लगा हुआ था, तो भाई हम इधर से ही रनिंग करने जाते थे, उधर सामने रोड है उधर से आते थे पुलिस से बचते हुए, और इधर इस वाले रास्ता से आके पीछे रोड पे इधर से रनिंग करते थे भाई। पहुंच गए हैं भाई भाई के खेत पे, और जस्ट पीछे इसके धान है, बिल्कुल सही है, खुशी हुई भाई। कैसा लगा अपना खेत देख के? बढ़िया बढ़िया लगा ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ तुम्हारा? पीछे आम का पेड़ है भाई, जब भी हम लोग दौड़ने आते थे इसी में इस बार अंबानी इतने अच्छे है, अंबानी पीछे होंगे। अरे नहीं यार इतनी बड़ी बात कर रहा, इस बार इतने अच्छे धान है कि अंबानी पीछे कर देंगे भाई, वो सपना है तेरा। और जस्ट इसका गन्ने का खेत है सामने, बुरा भी होगा, सही बात है। तो गन्ना खाएंगे आज,
इतनी दूर आए भाई खेत में, जूते आपको दिखाएंगे तो मतलब हालत खराब है। ऐसे रास्ते से आए हम लोग, सारे जूते खराब हो गए हमारे। मैं तो शॉर्ट में आया था, ये लोअर में आया, इसका लोअर खराब हो गया। तो बस आज का भाई यही ब्लॉग था, यही था कि हम घूमने आए थे। इसका मॉर्निंग में कॉल आया था कि भाई चलो खेत पे चलेंगे धान वगैरह देखने, तो मैंने कहा भाई बारिश हो रही है, और बारिश हुई वही 11:30 पे बंद हुई, तब हम आए जब मौसम साफ हुआ, क्योंकि फिर अगर मॉर्निंग में आते तो सब भीग जाते। तो पीछे भाई के धान अच्छे हैं और इसका ये है खेत। तो भाई गन्ना खिलाएगा नहीं खिलाएगा? यार अजीब इंसान है, मैं कह रहा हूँ गन्ना खिला दे, कह रहा पूजा नहीं हुई है। ये भी सीन है भाई, क्या भाई देखो जंगल, जंगल देखो आप। और अभी सीन क्या हो गया कि हम लोग खड़े हुए थे जहां पे ये फोटो क्लिक कराने के लिए खड़ा था, तो चाचा आए, चाचा क्या बोले, बोले मामू रहते हैं भाई बहुत लंबे से, मैंने जहां मैं खड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई चलो। तो भाई गन्ना तो उसने खिलाया नहीं कि पूजा वगैरह नहीं हुई, पूजा वगैरह होती है, कब होगी पूजा? एक महीने बाद, उससे पहले कोई गन्ना नहीं खा सकता? खाने में कुछ भी खा लेकिन। अच्छा तो भाई एक महीने बाद कह रहा गन्ना, मतलब सारा मूड खराब होती है भाई पूजा। अब जा रहे हैं घर, इनका खेत देख लिया, समोसे भी खा लिए इन्होंने चीनी मिल में। और वैसे जाता आज बाहर कहीं, बट बाहर गया नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए सोचा कि चलो खेत चलते हैं, खेत वगैरह देख लेते हैं, वहीं ब्लॉग शूट करेंगे। गाइस दो बार बचे हैं फिसलने से भाई, ये भी मैं भी, सब कपड़े भी खराब हो जाते जबकि मैं शूज पहन के आया हूँ तब, क्योंकि रास्ता इतना फिसलन भरा हुआ है। ये देखो ये तो फोन वगैरह सब अभी भिगो देता मेरा, क्यों चिकनी मिट्टी है ना, इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। इसमें आप कितना भी अच्छा शूज, कितनी भी अच्छी चप्पल, सब फिसल जाते। देखो मैं दिखाऊं आपको, फर्स्ट फेल है भाई इस पे मार्बल, ये जो आप सामने देख रहे हो ये, इस पे पैर गया नहीं या फिसले नहीं, मतलब जो भी हम लोग कपड़े पहन के आए हैं अच्छे ना, सबकी रेड लग जाती है अभी भाई। तो बस पहुंच गए गाड़ी के पास, सामने अपनी लूना खड़ी है, हमारी लूना ही है भाई वो। तो भाई बहुत मजा आया आज प्रभाव भाई के साथ खेत पे आके और ये बैग लाया इसके लिए कि भाई फोन वोन ना भीग जाए, और इसमें डाइट थी चने वगैरह, वो खाए हम लोगों ने बैठ के समोसे खाने के बाद, मतलब कुछ भी भाई चलता रहता हम लोगों का। तो पहुंच गया रोड पे और पुरानी यादें यहाँ ताजा हो गई भाई, जो कोविड में हम लोग रनिंग करने आते थे छुप छुपा के, इसी जंगल के बीच से आते थे भाई, और इस सड़क पे करते थे रेस। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखना, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश यही होगी कि डेली ब्लॉगिंग हो। और बाहर निकलने को थे आज, बट बारिश हो रही थी कल रात से, तो आज 11:30 बजे बारिश खुली, तो मैंने सोचा चलो प्रभु भाई के खेत पे चलते हैं आज।